अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को जल्दी 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 पढ़ लेते हैं टाइम बचाने के चक्कर में और उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देते हैं बट सबसे पहला तरीका यह होता है कि पहले आप क्वेश्चन को समझो अगर अच्छे से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि क्या क्या डेटा गिवन है और क्या आपको निकालना है तो तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहली लाइन है एयर इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन ए ब्रेटन साइकिल तो सिंपल है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है ब्रेटन साइकिल का मतलब क्या है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है और क्या दिया हुआ है एयर एज ए रेफ्रिजरेंट गिवन है तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एयर है वो क्या है रेफ्रिजरेंट है तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्वेश्चन से आई सबसे पहली क्या है एयर इज रेफ्रिजरेंट एयर क्या है रेफ्रिजरेंट है आपका तो पहली कंट्री हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन आई कि एयर आपका रेफ्रिजरेंट है उसके बाद उसके बाद इसके यहां से पढ़ते हैं देशर एट दिट एब्जॉर्ब एंड एट दफ हीट रिजेक्शन आर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली तो हमें ये टेम्परेचर नहीं पता है कि ये T1 की वैल्यू गिवन है या T2 की वैल्यू गिवन है या T3 की वैल्यू गिवन है या T4 की वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले ये ये देख लेते हैं कि ये कौन से है और इसको टेम्परेचर को देखने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हम टीएस डायग्राम बना लेते हैं हम क्या बना लेते हैं एक टीएस डायग्राम बना लेते हैं टी एस डायग्राम आपको पता है इस टाइप से होता है ये आपकी चारों प्रोसेस हो गई वन टू थ्री फोर अब इनको लिख लेते हैं देखो पहली जो प्रोसेस होती है वन टू टू आपको पता है किसमें होती है कंप्रेसर में यह प्रोसेस किसमें होती है कंप्रेसर में अब वन टू टू प्रोसेस कंप्रेसर में टू टू थ्री प्रोसेस जो है टू टू थ्री प्रोसेस किसमें होती है टू टू थ्री प्रोसेस होती है आपकी कूलर में थ्री टू फोर प्रोसेस थ्री टू फोर प्रोसेस किसमें होती है एक्सपेंडर में और फोर टू वन प्रोसेस फोर टू वन प्रोसेस किसमें होती है रेफ्रिजरेटर में तो ये ये पता चल गया ये हमारी चारों प्रोसेस होती है इसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में है कि टेम्परेचर एट द एंड ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन एंड एट द एंड ऑफ हीट रिजेक्शन तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि हीट एब्जॉर्प्शन कहां होती है और हीट रिजेक्शन कहां होती है तो ये आपको बताया था मैंने डायग्राम जब समझाया था इस फोर टू वन प्रोसेस में हीट एब्सोर्व होती है और ये कहां से होती है स्टोरेज से स्टोरेज से हीट एब्सॉर्व होती है फोर टू वन प्रोसेस में और टू टू थ्री प्रोसेस में कूलर में कूलर में कूल करता है को मतलब हीट रिजेक्ट हुई है हीट रिजेक्ट होती है टू टू थ्री प्रोसेस में क्यू आर कहां पर सराउंडिंग में ये सराउंडिंग में टू टू थ्री प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होती है अब फिर से को पढ़ते हैं कि टेम्परेचर एट एंड ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन हीट एब्जॉर्प्शन कहां हो रही है फोर टू वन प्रोसेस में और फोर टू वन प्रोसेस का एंड कहां पे है वन पॉइंट पे फोर टू एंड प्रोसेस का फोर टू वन प्रोसेस का एंड कहां पे है पे इसका मतलब आपको जो हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है फोर टू वन उसके एंड पे जो टेम्परेचर है वो गिवन है यानी कि T1 आपको गिवन है और क्या लिखा हुआ है 30 respectively. Respectively का मतलब होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पहले वाले के लिए है और जो सेकेंड वाला है वो सेकेंड वाले के लिए है यानी कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो T1 की वैल्यू कितनी दी तो uh, है इसने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो एंड पे एंड पे वैल्यू गिवन है यानी कि T1 आपको गिवन है तो हमें यहां से पता चला कि T1 हमारे पास है इसमें टू थ्री अगर एड कर देंगे तो ये आपका केल्विन में आ जाएगा 273 केल्विन हुआ आपका टेम्परेचर T1 Kelvin में कन्वर्ट कर लेंगे शुरू में ही क्योंकि हमें पता है कैलकुलेशन सारी केल्विन में होती है उसके बाद दूसरी भी गिवन है एट द एंड ऑफ हीट रिजेक्शन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ हीट रिजेक्शन कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट रिजेक्ट कहां हो रही है टू टू थ्री प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है सराउंडिंग में जा रही है जो टू टू थ्री प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है तो टू टू थ्री प्रोसेस का एंड कहां है कहां पे गिवन है एंड ऑफ हीट रिजेक्शन एंड कहां पर गिवन है थ्री पॉइंट पर एंड है आपका इस प्रोसेस का end, जो हीट प्रोसेस का जो है two, two, three, इसका end है है इसका पे कि आपको T3 भी गिवन की वैल्यू कितनी आएगी ये वाली थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू सेवनटी थ्री एड कर देंगे तो ये कैलविन में कन्वर्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री जीरो थ्री कैल्विन दो टेम्परेचर आपके पास आ गए उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या गिवन है आपका प्रेशर रेशियो गिवन है प्रेशर रेशियो कितना होता है Four. प्रेशर रेशियो की वैल्यू क्या होती है आरपी और ये कितना गिवन है फोर तो आरपी आपको गिवन है उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि डिटरमाइन ऑल दी टेम्परेचर्स सारे टेम्परेचर्स निकालने हैं यानी कि टी वन टी थ्री आगे आपके पास टी टू की वैल्यू और टी फोर की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी नेक्स्ट ऑलसो फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट एट द इनलेट टू दी कंप्रेसर एंड एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर तो यह भी देख लेते हैं कि कहां पर निकालना है आपको वॉल्यूम फ्लोरेट निकालनी है वॉल्यूम फ्लोरेट वॉल्यूम फ्लोरेट इसको वी वन से लिख लेते हैं स्मॉल वी वन ओके वॉल्यूम फ्लोरेट एट द इनलेट टू दी कंप्रेसर अब कंप्रेसर का इनलेट कहां पर है कंप्रेसर जो कंप्रेसर में इनलेट कहां पे होता है पॉइंट एग्जिट कहां पर होता है टू पॉइंट पे वन टू टू जो प्रोसेस है वो कंप्रेसर में हो रही है कंप्रेसर के इनलेट पे पे यानी यानी कि कि इस पॉइंट पेट की वैल्यू आपको निकालनी है V1 की वैल्यू आपको निकालनी है और वॉल्यूम फ्लो रेट है वॉल्यूम फ्लो रेट किस में होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी कि यह वैल्यू किसमें निकालनी है आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में और दूसरा कहां पर निकालनी है एट दी एग्जिट ऑफ एक्सपेंडर एक्सपेंडर कहां कहा से कहां तक हो रहा है टू टू थ्री प्रोसेस होगी एक्सपेंडर में, हो मतलब हो में और फोर पॉइंट पे एग्जिट होगा तो थ्री टू फोर प्रोसेस फोर तो पे एग्जिट है यानी कि V4 की वैल्यू भी आपको निकालनी है V4 की वैल्यू भी आपको निकालनी है और कुछ गिवन है हाँ गिवन है उसके बाद लिखा हुआ है द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज वन टी आर कूलिंग कैपेसिटी गिवन है आपको कूलिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, refrigeration capacity. Refrigeration capacity है. का मतलब, यानि कि आर सी आपको गिवन है वो कितने गिवन है वन टी आर और वन टी आर आपको पता है वन टी आर को क्या लिख सकते हैं हम थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव वन टी आर को क्या लिख सकते हैं थ्री पॉइंट 5 किलोवाट और क्या गिवन है प्रेशर एट द इनलेट टू द कंप्रेसर फिर से इनलेट पे आ जाते हैं कंप्रेसर का इनलेट वन पॉइंट पे कंप्रेसर का इनलेट कितना है कहां पर है वन पॉइंट पे यानी कि पी वन की वैल्यू गिवन है वन पॉइंट पे प्रेशर गिवन है दैट इज पी वन पी वन आपको गिवन है कितना वन बार वन बार को आप

वो होता है जीरो पॉइंट वन मेगा लिख लो या, तो इसको आप, या लिख लो आप हंड्रेड किलो या आप लिख लो टेन तो पर किलो पास्कल को कर लेते हैं कि यूज होगा या पासकल में यूज होगा ओके तो ये हमारा यहां सर यहां से आया उसके बाद क्या दिया हुआ है एजूम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन टू तो बी आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है आपकी ये दोनों प्रोसेस यहां से लेके ये वाली और ये वाली ये दोनों जो प्रोसेस आपको गिवन है दीज प्रोसेस आर आइसन तो आपको गिवन है ये दोनों प्रोसेस क्या है आइसेंट्रोपिक है तो इन प्रोसेस को इन प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक लिखा है उसने तो हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने का फायदा ये हो गया कि जो फॉर्मूले हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन के लिए ड्राइव किए थे वो सारे के सारे अप्लीकेबल है ठीक है तो अब मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं ये सारा डाटा आपका लिखा रहेगा जो डाटा हमने यहां से निकाला है और जो यहां से हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है देखो तो और क्या निकालना है टी थ्री टू की वैल्यू निकालनी है और टी फोर की वैल्यू निकालनी है तो निकालना हमारे पास ये दो टेम्परेचर निकालने हैं और ये दो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालनी है तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन भी इरेज कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए आप इसको नोट कर लो और इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं अभी तक तो हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया है अब इसको सोल्व करते हैं अब इसमें निकालेंगे पहले टी, फो, टी, की टी फोर की वैल्यू और T4 की वैल्यू दोनों टेम्परेचर फाइंड करेंगे पहले क्वेश्चन में लास्ट लाइन जो थी वो थी कि कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर आइसेंट्रोपिक अगर कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक है तो हम वो वाला फॉर्मूला सिंपली यूज कर सकते हैं कौन सा टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाय पी वन रेज टू पावर गामा माइनस वन बाय गामा पी टू बाय पी वन का मतलब आर पी रेज टू पावर गामा माइनस वन बाय गामा देखो हमारे पास टी टू की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास टी वन है टी टू यहां से क्या आ जाएगा टी टू इज इक्वल टू टी वन इंटू आर पी रेज टू पावर गामा माइनस वन बाय गामा हमारे पास टी वन की वैल्यू है बिल्कुल है यहां पर हमारे पास टी वन है टी टू हमें निकालना है आर पी आर पी भी गीवन है आपको आरपी की वैल्यू है फोर जो आपको गिवन है ओके भी गिवन है उसके बाद गामा नहीं पता है हमें गामा की वैल्यू क्या होगी देखो गामा की वैल्यू यहां से ये यह जो लाइन लाइन थी ना फर्स्ट एयर इज एज ए रेफ्रिजरेंट एयर आपका रेफ्रिजरेंट है और एयर के लिए जो गामा की वैल्यू होगी वही यहां पर यूज करेंगे क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस क्या है आपका एयर तो हम लिखेंगे यहां पर फोर एयर गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4 ये 1.4 वाली वैल्यू वो हम यूज करेंगे तो यहां पर इस वैल्यू में इसमें पुट कर देते हैं टी वन की वैल्यू पुट करेंगे 273 273 थ्री सेवनटी थ्री आरपी की वैल्यू 4 है आपके पास 4 रेज टू पावर 1.4 पॉइंट फोर माइनस वन डिवाइड बाय वन ये पावर में है जब आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी फोर जीरो पास T2 आ गया T2 टू इज इक्वल टू फोर और क्या निकालनी है दूसरा टेम्परेचर T4 निकालना है T4 के लिए आप या तो ऐसा ही एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो कौन सा T3 थ्री बाई टी फोर इज इक्वल टू आर पी रेज टू पावर गामा माइनस वन बाय गामा बट अब आपके पास तीन टेम्परेचर आ चुके हैं आप दूसरे वाला फॉर्मूला यू कौन सा टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री बाई टी फोर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ये थोड़ा इजी है तो ये यूज कर लेते हैं तो दिस इंप्लाइज टी टू की जगह पुट कर लेंगे वैल्यू पुट कर देंगे टी टू की जगह आई है फोर जीरो फाइव पॉइंट सिक्स टी वन की जगह टू सेवेंटी थ्री इज इक्वल टू टी थ्री की वैल्यू कितनी है थ्री जीरो थ्री और टी फोर की वैल्यू आपको निकालनी है तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे टी फोर को इधर ले जाएंगे बाकी सबको उधर तो टी फोर इज इक्वल टू थ्री जीरो थ्री ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इंटू टू सेवन टी थ्री डिवाइड बाय ये नीचे आ जाएगा फोर जीरो फाइव ठीक है तो ये वैल्यू आएगी आपके पास दिस T4 फोर इज इक्वल टू टू जीरो ये आपके पास आई T4 की वैल्यू तो अब हमारे पास T3 की वैल्यू भी आ गई और T4 की वैल्यू भी आ गई आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसने पूछा था सारे पॉइंट्स पे टेम्परेचर कितना होगा T1 पता चल गया T2 पता चल गया T3 पता चल गया T4 भी पता चल गया तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पर अलग लिख लेते हैं टी सॉरी टी टू की वैल्यू टी टू इज इक्वल टू फोर जीरो फाइव पॉइंट सिक्स कैलविन एंड टी फोर इज इक्वल टू टू जीरो थ्री पॉइंट नाइन कैलविन नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो है वॉल्यूम फ्लो रेट अब वॉल्यूम फ्लो रेट का तो फॉर्मूला हमने अभी नहीं पढ़ा है कहीं पे भी हमने जो गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था इसमें वॉल्यूम फ्लोरेट नहीं पड़ा है तो अब देखते हैं वॉल्यूम फ्लोरेट कैसे निकलेगा तो देखो एयर जो है एयर को हम एज्यूम कर सकते हैं आइडियल गैस की तरह तो पहले एयर को आइडियल गैस की तरह अगर लेते हैं तो वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला होता है कौन सा वाला फॉर्मूला पी वी इक्वल टू एम आर टी ये फॉर्मूला होता है यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं देखो अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है V1 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पर वन पॉइंट पे पुट कर देते हैं। वन पॉइंट पे क्या आएगा पी वन वी वन इज इक्वल टू एम वन आर टी वन आर की वैल्यू सेम होती है आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो इसलिए आर को आर ही लिखेंगे आर वन नहीं लिखेंगे तो यहां से वी वन आया आपके पास एम वन आर टी वन बाय पी वन बट हमें वी वन नहीं चाहिए वी वन किसमें होगा मीटर क्यूब में हमें तो चाहिए वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड तो यानी कि इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो आ गया आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट इसको स्मॉल वी वन लिख लेते हैं इज इक्वल टू एम वन बाय टी वन मास पर यूनिट टाइम ये क्या होती है मास फ्लो रेट और इसको हम डिनोट करते हैं एम डॉट से इसको हम डिनोट करते हैं एमडोट से एम डॉट वन आर टी वन बाई पी वन अब हमारे पास इसमें से क्या क्या डाटा अवेलेबल है वो चेक कर लेते हैं देखो आर की वैल्यू फिर से हमारे पास एयर है और एयर के लिए आर की वैल्यू क्या होती है आर ऑफ एयर जीरो पॉइंट टू एट सेवन किलो जूल पर केजी पर केल्विन ये होती है आर की वैल्यू अब आर की वैल्यू तो है हमारे पास R की वैल्यू है हमारे पास टी वन की वैल्यू सारे टेम्परेचर है टी वन की वैल्यू भी है पी वन भी आपको गिवन है पी वन था ना यहां पर बार आपको गिवन था बार तो P1 भी है बट ये नहीं है आपके पास क्या नहीं है ये एम वन नहीं है एम वन डोट सॉरी तो मास फ्लो रेट हमें पहले निकालनी पड़ेगी जब तक मास फ्लो रेट नहीं निकलेगी तब तक वी वन की वैल्यू नहीं निकलेगी डॉट जो हम निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे rc से हमारे पास क्या और गिवन है rc गिवन है तो rc से m डॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे देखो rc जो होता है इसका फॉर्मूला होता है m डॉट re इस फॉर्मूले में m डॉट है तो यहां से कोशिश करते हैं m डॉट निकालने की ओके तो m डॉट जो है m डॉट मास फ्लो रेट अब कहोगे जी यहां पर तो सिर्फ m डॉट लिखा, लिखा है यहां पर m1 डॉट लिखा है एक्चुअल में मास फ्लो रेट जो होती है वो इस साइकिल में कंप्लीट साइकिल में अगर एक ही सब्सटेंस आपका फ्लो कर रहा है तो मास फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होगी मास फ्लो रेट सब पॉइंट पे सेम होगी पॉइंट 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 पे 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 भी पे भी पे भी और फोर पॉइंट पे भी सब जगह मास फ्लो रेट सेम होगी तो आप इसको एमडोट वन लिखो टू लिखो थ्री लिखो फोर लिखो या सिर्फ एमडोट लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर भी हम सिर्फ इसको एमडोट ही लिख सकते हैं एमडोट वन ना लिख के सिर्फ और सिर्फ एम डॉट लिख सकते हैं क्योंकि मास फ्लो रेट सेम रहती है मास फ्लो रेट चेंज नहीं होती है ओके okay, मास फ्लो रेट अब आर ई अगर हमें मास फ्लो रेट निकालनी हो तो हमें ये आर ई की वैल्यू पता होनी चाहिए आर ई क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है स्टोरेज से जितनी हीट एब्जॉर्व होती है उसी को कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जितनी हीट यहां से स्टोरेज से ये एब्जॉर्व करेगा रेफ्रिजरेंट इसको कहेंगे आर ई तो RE की वैल्यू जो प्रोसेस हो रही है हीट एब्जॉर्प्शन की वो कहां से कहां हो रही है फोर से वन तक हीट एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहां से कहां तो हो रही है फोर से वन तक तो RE की वैल्यू क्या हो जाएगी m डॉट इनटू h1 minus h4 ये हो जाएगी हमारे पास RE की वैल्यू ओके बट अब कहोगे जी ये h1 और H, h4 तो नहीं पता है एन्थैल्पी तो कहीं पे भी गिवन नहीं है हमारे पास तो फिर से आ जाते हैं एयर पे ये एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एयर एयर क्या है आइडियल गैस एयर को हम एज्यूम कर सकते हैं कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है और हमें पता है फॉर एन आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए एच की वैल्यू आप लिख सकते हो सीपीटी एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं सीपी तो इस एच को रिप्लेस कर देंगे आरसी की वैल्यू आपके पास आएगी एमडोट इन टू सी पी कॉमन ले लेंगे तो यहां से टी वन माइनस टी फोर टेम्परेचर हमारे पास है दोनों सीपी की वैल्यू हम देख लेंगे तो सीपी की वैल्यू क्या होगी किसके लिए ले रहे हैं एयर के लिए तो सीपी भी किसके लिए लेंगे एयर के लिए सीपी ऑफ एयर इज इक्वल टू कितनी होती है वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव किलो जूल पर के जी पर केल्विन ये होती है सीपी एयर के लिए तो यहां पर इसमें पुट कर देंगे हम वैल्यूज सारी यहां से डॉट ही निकाल लेते हैं डॉट की वैल्यू आर सी डिवाइड बाय सी पी इंटू टी वन माइनस टी फोर तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं आर सी की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट फाइव किलो वाट थ्री पॉइंट फाइव किलो वाट इसके बाद सी पी की वैल्यू वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव किलो जूल पर के जी पर कैलविन और टेम्परेचर T1 की वैल्यू T1 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 टी वन टी वन टीवन टी वन T4, T4 यहाँ पे निकाला था टू जीरो थ्री पॉइंट नाइन ये केल्विन में ये आए आपके पास कैलविन में तो इस कैलविन से ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा साथ में वो भी देखेंगे ना डायमेंशन किस डायमेंशन में आ रही है आपकी मास फ्लो रेट किलो यहां पर किलो जूल है और यहां पर किलो वाट है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं किलो वाट क्या होता है किलो वाट होता है किलो जूल पर सेकेंड किलो वाट होता है आपके पास किलो जूल पर सेकेंड तो किलो जूल से किलो जूल कैंसिल हो जाएगा तो डॉट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव आपके पास क्या बचा देखो यूनिट में यहां पे के अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा उल्टी हो जाएगी वन बाय के है तो ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा के और एक सेकंड बचा नीचे के पर सेकंड ये आपके पास आई मास फ्लो रेट ये मास फ्लो रेट इसी का यूज करेंगे हम इसमें अब यहां पर हम वी की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं तो वी की वैल्यू जब निकालेंगे वी इज इक्वल टू पहले डॉट की वैल्यू लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव के जी पर सेकेंड इंटू आर की वैल्यू आर की है जीरो पॉइंट टू एट सेवन किलो जूल पर के जी पर कैलवीन अगर आपको यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना है तो यूनिट साथ की साथ लिखो और यूनिट्स भी कैंसिल करो बहुत इजीली आपको सही सही यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा ओके R की वैल्यू हो गई टी की वैल्यू टी वन की वैल्यू टी वन की वैल्यू कहां पे है ये टू 270 थ्री कैलविन और डिवाइड में क्या है पी वन प्रेशर प्रेशर किसमें है प्रेशर 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 पी वन हमारे पास है हंड्रेड किलो पास्कल हंड्रेड किलो पास्कल बट यूनिट ये कैंसिल नहीं होगी तो प्रेशर को चेंज कर लेते हैं प्रेशर को कैसे चेंज कर लेते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स अगर यहां पर ये किलो पास्कल है तो फोर्स को किसमें लिख सकते हैं किलो न्यूटन में और एरिया को पर मीटर स्क्वेयर तो किलो पास्कल को चेंज कर देंगे यहां पर किलो पास्कल को लिख लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर बट यहां पर किलो न्यूटन आ गया अब तो ये किलो जूल है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा किलो जूल को कैसे लिख सकते हैं देखो वर्क जो होता है आपका वर्क होता है किलो जूल में वर्क होता है किलो जूल में और वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस तो किलो जूल को हम लिख सकते हैं किलो जूल को लिख सकते हैं किलो न्यूटन और डिस्टेंस को मीटर में तो किलो जूल को भी यहां से रिप्लेस कर देते हैं क्या लिख लेते हैं किलो न्यूटन मीटर में अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं यूनिट्स केजी से केजी यूनिट कैंसिल हो गई एक ये Kelvin से कैलविन कैंसिल हो गई और किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल हो गया अब बचा क्या यहां पर वन मीटर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वेयर हो जाएगा एक ये मीटर स्क्वेयर एक ये मीटर बचा एक ये मीटर स्क्वेयर बचा तो ऊपर आ गया आपके पास मीटर क्यूब और नीचे बचा सेकेंड मीटर क्यूब पर सेकेंड इसी में हमें आंसर चाहिए था मीटर क्यूब पर सेकंड में हमें आंसर चाहिए था तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में आप जब इसको कैलकुलेट करोगे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे अपने आप से तो ये वी वन की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट मीटर क्यूब पर सेकंड ठीक है आप कैलकुलेट कर लेना इसको और आंसर मैच कर लेना ओके okay, नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद हमें एक और वैल्यू निकालनी है इस वी फोर की भी निकालनी है वॉल्यूम फ्लो रेट एट पॉइंट फोर तो वी फोर के लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं वी फोर की वैल्यू के लिए एम डॉट इंटू आर इंटू टी फोर डिवाइड बाई पी फोर ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं हमारे पास एम डॉट भी है आर भी है टी फोर भी है एम डॉट तो हमने निकाला ही था ये रहा एम डॉट आर की वैल्यू आपको पता है जीरो पॉइंट टू एट सेवन और टी T4 टी फोर की वैल्यू यहां पर है टू जीरो थ्री पॉइंट नाइन बट पी फोर अब कहोगे जी P4 नहीं है हमारे पास बट मैं कह रहा हूं आपके पास पी फोर भी है कैसे फोर टू जो वन प्रोसेस है, 4 1 प्रोसेस है टू प्रोसेस प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन कॉन्स्टेंट प्रेशर होने का मतलब पी वन और पी फोर की वैल्यू सेम है अगर पी वी डायग्राम बनाते तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं फोर पॉइंट एंड वन पॉइंट तो पी वन इक्वल टू P4 यही P1 वन इक्वल टू पी है तो 100 किलो आ, 100 किलो पास कल यहाँ भी पुट कर देंगे P4 भी है तो आप यहाँ पर जब सारी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर निकालोगे तो V4 की वैल्यू आएगी 0.0 0.029 मीटर क्यूब पर सेकेंड आप इसको चेक कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देखो यही तरीका होता है ऐसी ऐसे ही इसी तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सबसे सही तरीका यही होता है क्वेश्चन सोल्व करने का ओके okay, तो इस लेक्चर में इतना ही बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू थैंक यू सो मच